सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो उठो चलो। कलियुग के इस कलियुग का है अंत निकट आया संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया साधना के महापर्व को साथ है लाया सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो उठो चलो। समर्थ पूर्वजों के समर्थ साधक वंशज हम सब, ये जो आज का विषय मुझे दिया गया है ये है कि हिंदू धर्म में हिंदू समाज में स्त्रियों की जो स्थिति है उसके उसकी सच्चाई क्या है और उसके बारे में दुष्प्रचार क्या है। एक ये पुस्तक है जो मैंने और मिश्र जी ने लिखी थी, स्त्रीत्व धारणाएं एवं यथार्थ। यह पुस्तक काशी में विश्वविद्यालय प्रकाशन ने छापी है। इसको मंगाने का पता है पोस्ट बॉक्स नंबर 1149, नोट कर लें 1149, विशालाक्षी भवन चौक वाराणसी 221001। इस पुस्तक में बहुत विस्तार से इस विषय पर लिखा गया है। भारत में और भारत जैसे अफ्रीका एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों में, ध्यान दीजिए, जो समस्या हमारी है वो हमारी अकेले की समस्या नहीं है, ये समस्या एफ्रो एशियन लैटिन अमेरिकन देशों की है। एफ्रो मतलब अफ्रीका, एशिया मतलब एशिया के बहुत से देश, और लैटिन अमेरिका जिसको कि दक्षिणी अमेरिका कहते हैं, इन देशों की सभी की पिछले 100-125 साल से एक समस्या है विभिन्न क्षेत्रों में, और वो समस्या है यूरोप के दर्पण में स्वयं को देखना। आप सब लोग बचपन में मेले ठेले में गए होंगे, उसमें एक हॉल होता है जिसमें तरह तरह के दर्पण लगे होते हैं, किसी में हम बहुत पतले लंबे दिखते हैं, किसी में मोटे दिखते हैं, किसी में चपटे दिखते हैं, किसी में हमारी नाक ऐसी दिखती है। यदि दर्पण उचित नहीं है, विकृत है, तो छवि भी विकृत दिखेगी। अब ये समस्या किनकी है? जिनके सामने यूरोप के अधकचरे जानकारी का एक विकृत ज्ञान दर्पण है, या हम कहें अज्ञान दर्पण है। और ये लोग कौन हैं जिनको माननीय मिश्र जी कहते हैं यूरंडपंथी, यूरो इंडियन सेक्ट। ये जो इंटेलेक्चुअल लुम्पेननेस है, जो बौद्धिक लंपटता है, ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये हमारे ह्यूमैनिटीज़ का बहुत मान्य शब्द है, इंटेलेक्चुअल लुम्पेननेस, LUMPENESS। जब आप लंपट कहेंगे तो बहुत जगह आपत्ति होगी, तो इसका हिंदी है बौद्धिक लुच्चापन या बौद्धिक लंपटता। और इसका कारण है यूरोप के विषय में और स्वयं के विषय में घनघोर अज्ञान और उसको ज्ञान के रूप में अभिमान। ये समस्या भारत में 1947 के आसपास 0.1% लोगों की थी, धीरे धीरे 1% लोगों की हुई, और नेहरू को की जगह अगर हम कहें राष्ट्रद्रोही, धर्मद्रोही, परंपराद्रोही शासनकर्ताओं के कारण ये करीब करीब 10% लोगों की समस्या हो गई है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है, मैं थोड़े से टेक्निकल चीज़ों को डालूंगी तो बहुत सी बात साफ हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और पब्लिक फोरम पर जो
बहसें हैं, यानी ये जो पब्लिक स्पेस है, जो सार्वजनिक बहस का, सार्वजनिक बात का ये जो क्षेत्र है, इस पर यूरो इंडियन सेक्ट का कब्जा है, और ये कब्जा उसको अपने सामर्थ्य के कारण नहीं प्राप्त हुआ है। जिन लोगों ने छल पूर्वक 1947 में ये जो छोटा सा भारत जो दिखाई दे रहा है, इस छोटे से भारत पर जिन्होंने, जिसके राज्य पर कब्जा किया, मोटा मोटी कांग्रेस का नेहरू धड़ा, संपूर्ण कांग्रेस नहीं, संपूर्ण कांग्रेस ने तो भारत के विभाजन को रद्द कर दिया था। यदि कांग्रेस की चली होती तो जिन्ना सर पटक के मर जाता, माउंटबेटन सर पटक के मर जाता, और भारत का विभाजन नहीं होता। तो ये जो इंटेलेक्चुअल लुम्पेन या यूरो इंडियन सेक्ट का सार्वजनिक स्पेस पर जो कब्जा हुआ है, ये घनघोर गुंडागर्दी से संविधान की उपेक्षा करते हुए राज्यकर्ताओं ने कराया है। और अब इस इंटेलेक्चुअल लुम्पेन में जो वर्चस्व है वो चार ग्रुप का है। इस्लाम को थोड़ा बहुत जानने वाले नहीं, इस्लाम के प्रोपोगैंडिस्ट, ईसाइयत के प्रोपोगैंडिस्ट, जिन्होंने मार्क्स का दास कैपिटल देखा भी नहीं है, ऐसे कम्युनिस्ट, कम्युनिज्म के प्रोपोगैंडिस्ट, जिनको सेकुलर शब्द का अर्थ भी नहीं पता है, ऐसे हिंदू द्रोही सेकुलरिस्ट, इन चार का इस फोरम पर कब्जा है। और इन चार लुच्चे लंपटों को जवाब देने का कार्य कर रहा है धर्माभिमानी हिंदू। कल जो चर्चा हुई उसके मूल को समझने की आवश्यकता है। हम एक उद्दंड, पाजी, लंपट, शराबी, अज्ञान का मद, जिसको अज्ञान का मद्यपि कहने की जगह मैं शराबी कह रही हूँ, ऐसे एक से धर्माभिमानी ज्ञानी को संवाद भी करना चाहिए क्या? अपने यहाँ और संसार भर में संवाद के कुछ नियम कायदे कानून हैं। जैसे मैं कल एक परसों एक भाषण दी, बहुत अच्छा था, आज भी जो बताऊंगी इसको मैं कह सकती हूँ कि यूरेशिया में मेरे टक्कर का जानकार नहीं है, लेकिन ये बिजली बिगड़ जाए तो बनाने जाऊँ तो मेरी क्या गत होगी और हॉल की क्या गत होगी। यानी हम जिस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं उसी के साथ तो संवाद करेंगे। और भारत में एक चीज़ जो हम भूल गए हैं, हम कौन, जो अब मैं अपनी यूरोप वाली भाषा बोल रही हूँ, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, जब से समय है, और भारतीय भाषा में जो मैंने स्वामी रामदेव जी के यहाँ सुना है, 1,96,00,00,000 इतने लाख साल से, भारतीय कालगणना, इस समय से जो ज्ञान, धन, शिल्प, आनंद, हर क्षेत्र में जो संसार का गुरु है, उसके हम वंशज मीडिया में, सोशल फोरम में, अकेडमिया में किससे बात कर रहे हैं, जो यूरोपीय ज्ञान का भी एक लंपट बौद्धिक है, जिसको न इस्लाम का पता है। इस्लाम के बोलने वालों से कुरान की बात कीजिए और ये जो 25-50 इस्लामिक देश का इतिहास पूछिए, ABCD नहीं पता है। उस ईसाई से पूछिए जिसको बाइबल के बेसिक्स नहीं पता है, और इसी प्रकार सेकुलरिस्ट और कम्युनिस्ट से। तो पहला तो ये काम गलत है, और इस पर हम कैसे कॉम्बैट करें वो आज का विषय नहीं है, लेकिन इस पर गंभीर चिंतन होना चाहिए कि जब प्रश्नकर्ता हमसे प्रश्न पर करे तो उत्तर देते समय हमारा उत्तर के वाक्य विन्यास ऐसे होने चाहिए
कि जो हमको सुन रहा है वो एंकर नहीं है। सनातन धर्म सूर्य उभरा, छात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा।